अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्जन इन्वर्जन जैसे कि नेम से पता है इन्वर्ट होना ठीक है जगह उलट जाना जब हम ग्लास को इस तरह से रखते हैं आई मीन आप ग्लास को उल्टा जब रखते हैं सो तो उल्टे को जो है वो इन्वर्ट कहते हैं हम कहते हैं इन्वर्ट ग्लास तो इन्वर्जन मीन्स उलट जाना ठीक है सेंटेंस इन्वर्जन सेंटेंस को भी इन्वर्ट किया जाता है उलट दिया जाता है अब नाम से ही जाहिर है मींस जो उसका ऑर्डर होता है सेंटेंस का वही ऑर्डर जो है वो उलट दिया जाता है पहले जब कुछ और आ रहा होता है तो बाद में कुछ और आ रहा है ठीक है तो हम देखते हैं कि वो किस किस तरीके से इन्वर्जन होती हैं और ये क्यों होती हैं ठीक है इन्वर्जन ऑल्सो नोन एज़ एनेस्टोफे इसको एनास्ट्रॉफी भी कहते हैं इज़ अ लिटरी टेक्निक इन विच द नॉर्मल ऑर्डर ऑफ वर्ड इज़ रिवर्स और इसमें होता क्या है कि जो नॉर्मल ऑर्डर है सेंटेंसेस का उसको जो है वो रिवर्स किया जाता है इन ऑर्डर टू अचीव अ पर्टिकुलर इफ़ेक्ट ऑफ एम्फेसिस और मीटर मीटर आपको पता है पोइट्री की लाइन को हम कहते हैं तो हम पोइटिक लाइन के लिए या फिर हम किसी एम्फेसिस के लिए जो है वो उन सेंटेंसेस को उलट देते राइट सो right? so, इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं द टर्म इन्वर्जन रेफर्स टू एन इेगुलर वर्ड प्लेसमेंट फॉर्म एंड इट कवर्स टू डिफ़रेंट ग्रामेटिकल ऑपरेशन तो इसमें जो है वो क्या होता है वर्ब को जो है वो इरेगुलरली प्लेस किया जाता है कहीं पे पहले जो है वो वर्ब uh, आता है और जहाँ पे आ, आ, सब्जेक्ट आना होता है उसकी जगह पे जो है वो आ, वर्ब आ जाता है तो हम देखते हैं कि ग्रामेटिकल टेक्निक्स में किस तरह से है यूजिंग अ क्वेश्चन फ्रॉम द मेन वर्ब एग्जांपल देखें नॉट ओनली डिड ही गेट लेट जब हम मेन uh, वर्ब को क्वेश्चन फॉर्म दे रहे होते हैं नॉट ओनली डिड ही गेट लेट टू वर्क आपको पता है यहाँ पर क्वेश्चन फॉर्म है नॉट ओनली डेड अब ही वैसे हमने देखा कि इन्वर्जन ना हो तो ही नॉट ओनली गॉट लेट लेकिन यहाँ पे सेंटेंस सॉरी क्वेश्चन फॉर्म इसको लेके आए नॉट ओनली डेड ही गेट लेट टू वर्क बट ऑल्सो केम कंप्लीटली अनप्रिपेयर्ड फॉर द मीटिंग दूसरा हम देखते हैं चेंजिंग द नॉर्मल पोजिशन ऑफ वर्ब एंड सब्जेक्ट मेनली फॉर एम्फेसिस तो दूसरा जो है वो हम क्या करते हैं नॉर्मल पोजिशन को वर्ब की और उसके सब्जेक्ट की उनको हम चेंज कर देते हैं एम्फेसिस के लिए वो कैसे अलॉन्ग केम पॉली या फिर अप इन द एयर वेंट द बलून वैसे अगर ऑर्डर हो तो आपने देखा होगा द बलून वेंट अप इन द एयर लेकिन यहाँ पे हमने वर्ब को और उसकी सब्जेक्ट को हमने जो है वो इन्वर्ट कर दिया तो ये जो है वो एम्फेसिस के लिए हम इसको करते हैं या फिर एज अ मीटर पोइट्री में इसको यूज़ करने के लिए अप इन द एयर वेंट द बलून अब इसकी टेक्निक्स क्या होती हैं किस किस तरह से इन्वर्जनस की जा सकती हैं इन्वर्जन इज़ अचीव्ड बाय प्लेसिंग एन एडजेक्टिव आफ्टर द नाउन इट क्वालिफाइज़ प्लेसिंग इन एजेक्टिव बिफोर द नाउन इट क्वालिफाइज वैसे तो ये होता है पहले नाउन आता है फिर उसके बाद एडजेक्टिव उसको क्वालिफाई करता है लेकिन इन्वर्जन टेक्निक्स में क्या होता है पहले एडजेक्टिव आता है फिर उसके बाद वो नाउन आता है जिसको वो क्वालिफाई कर रहा है फॉर एग्जाम्पल सो मेलेडियस वो सिंगर्स वॉइस स्ट्रोंग एज ही वर्स ही कुड बीट हिज ओपोनेंट प्लेसिंग अ वर्ब बिफोर इट्स सब्जेक्ट वर्ब को जो है वो उसके सब्जेक्ट से पहले रखा जाता है तब भी वो एक इन्वर्जन टेक्निक है देखिए ज़रा नेवर हैव आई सीन सच अ ब्यूटिफुल रोज अब ब्यूटिफुल रोज जो है वो सब्जेक्ट है नेवर हैव आई सीन उसका वर्ब है ठीक है प्लेसिंग अ नाउन बिफोर इट्स प्रपोजिशन उसके प्रपोजिशन से पहले जो है वो नाउन को रखा जाता है उसकी एग्जाम्पल्स हम देखते हैं प्लेसिंग preposition बिफोर इट्स नाउन प्रपोजिशन पहले आ जाए नाउन बाद में आ जाए वैसे तो हमने देखा है कि सेंटेंस में क्या होता है पहले नाउन आता है फिर उसके बाद प्रपोजिशन आती है तो इसको इन्वर्जन देखें ज़रा टू द स्कूल ही गोस ठीक है अब ये हम पढ़ चुके हैं अब हम देखते हैं इन्वर्जन आफ्टर नेगेटिव एडवर्बियर्स नेगेटिव एडवर्बियल्स के बाद इनवर्जन जो है वो किस तरह से की जाती है वन द एडवर्बियल आखर्स एट द बिगनिंग ऑफ अ क्लॉज फॉर्मल लैंग्वेज में एडवर्बियल जो है वो सेंटेंस के कलॉज के बिगनिंग में जब आती है नेवर हैव आई बीन मोर इंसल्टेड आफ्टर टाइम एक्सप्रेशन सच एज नेवर रेयरली सेल्डम हार्डली पेयरली स्कर्सली नो सूनर सेल्डम

at no time in no way on no condition not until not only जैसे कि not only के साथ फिर but also भी आता है under no circumstances ये examples है under no circumstances can you leave this house आप किसी भी उसमें ये घर छोड़ के नहीं जा सकते आप देखें इन्वर्जन ठीक है और फिर नॉट ओनली विल शी हैव टू स्टडी हार्ड Not only will she have to study hard, but she will also have to concentrate to do well on the exam. Or, phir after little, little have I read concerning nanotechnology. Inversion after so, such, with, or that. This occurs with so an adjective when the main verb is be. अगर मेन वर्ब जो है वो बी है तो फिर सो so और एडजेक्टिव के साथ इन्वर्जन की जाती है इट इज़ यूज फॉर एम्फेसिस इसको एम्फेसिस के लिए किया जाता है एंड इट इज़ मोर कॉमन दैन द एग्जाम्पल विद सच तो ये सो so जो है वो ज़्यादा होता है सच की बनस्बत इट ओनली हैपन्स इफ सो इट ओनली हैपन्स इफ़ सो इफ सच जो है वो कम आता है इज़ द फर्स्ट वर्ड इन द क्लॉज और अगर ये पहला वर्ड हो क्लॉज का so plus adjective plus that so difficult is the test that फिर combines the with the verb to be that students need थ्री months to prepare अब फिर उसके बाद इसको जो है वो verb के साथ combine किया so difficult is the test so हो गया फिर उसके बाद adjective हो गया फिर उसके बाद that आ गया sentence में और फिर जो है वो verb be form स्टूडेंट्स नीड टू प्रिपेयर टू बी टू प्रिपेयर देखिये सच फिर टू बी प्लस नाउन फिर उसके बाद द फोर्स वॉज जो है वो ये बी फॉर्म है वर्क की और फिर नाउन फोर्स है ऑफ द स्टॉम फिर उसके बाद दैट ट्रीज वर अपरूडेड फिर उसके बाद हम देखते हैं इन्वर्जन

अपना लेता है दिस मेक्स द इवेंट लेस लाइकली हैड ही अंडरस्टूड द प्रॉब्लम देखिए ज़रा ये कंडीशनल जो है वो सेंटेंस um, है हैड ही अंडरस्टूड द प्रॉब्लम ही वुडेंट हैव कमिटेड दोज मिस्टेक्स अब यहाँ पे इफ़ की जगह हैड आ गया वैसे सेंटेंस क्या है इफ़ ही हैड अंडरस्टूड द प्रॉब्लम्स ये इन्वर्जन में क्या आ गया इफ़ को हटा दिया हेड को हम पहले ले आए हेड ही अंडरस्टोड शुड ही डिसाइड टू कम प्लीज टेलीफोन अब ये शुड आ गया ही डिसाइड्स कम में हमने क्या किया इफ इफ ही डिसाइड्स टू कम शुड ही डिसाइड टू कम ये इन्वर्जन है ठीक है ये जो वाइट में नजर आ रही है इन्वर्जन है वैसे सेंटेंस इफ के साथ इस तरह से होता हैड आई नोन यूअर कमिंग आई वुड है coming, अब इन्वर्जन है ए एड आई नोन वर कमिंग इफ़ आई हैड नोन हैड को हम पहले ले आए और जो है वो आई नोन बाद में आ गया ठीक है वैसे अगर होता इफ़ के साथ तो ये इफ़ से है लेकिन इन्वर्जन जब हुई है तो फिर हैड आई नोन आ गया ठीक है इफ़ को हमने हटा दिया फिर इन्वर्जन आफ्टर एज़ उसमें किस तरह से है दिस इज़ मोर कॉमन इन फॉर्मल और रिटर्न लैंग्वेज ये बहुत ज़्यादा कॉमन है वी वर रियली टायर्ड एज वर मोस्ट पीपल हु केम टू द ट्रिप एज वर मोस्ट पीपल ठीक है ये हो गई इसके बाद एज के बाद की इन्वर्जन वर मोस्ट पीपल हु केम टू द इन्वर्जन आफ्टर सो नीदर एंड नॉर ये देखें आई डोंट लाइक अनियन्स पी नीदर डू आई नीदर डू आई ठीक है आफ्टर सो या नीदर या नॉर या नॉर डू आई या नीदर डू आए वैसे ये इन्वर्जन है ठीक है आई डू सिंपल सेंटेंस है और इन्वर्ट किया गया ये देखिए जरा ये बाद में चला गया और डू पीदर डू आए अब ये इनकी जरा प्रैक्टिस देख लें we had no sooner left the house that it exploded. No sooner जो है वो कहाँ आता है inversion में और ये sentence जब invert हो जाएगा तो of course no sooner पहले आ जाएगा और फिर बाकी sentence को आप इस तरह से लिख देंगे ठीक है Half a dozen apples fell down. अब ये verb inversion है ये आपने किस तरह से करना है वर्ब को आप पहले लेके आएंगे उसके बाद जो है वो नाउन आ जाएंगे इफ़ मिस्टर दाऊद हैड बीन काइंडर टू हिज एम्प्लॉयिज़ हिज बिजनेस वुड नाट हैव कलेप्स अब ये इफ़ वाला है इफ़ को हटा के आप इसको किस तरह से इन्वर्ट करेंगे ठीक है ये कंडीशनल सेंटेंसिस वाला था आई डिड नाट से आई वुड एक्सेप्ट लेट होम वर्क ये जो है वो एट नो टाइम आपको क्लू दिया गया है ठीक है आई डिड नॉट से आई वुड एक्सेप्ट लेट होमवर्क राइट अभी आप इसको इन्वर्ट करेंगे टर्न द फॉलोइंग इन टू इन्वर्टेड सेंटेंसेज आप वी हैड नो सूनर लेफ्ट द हाउस दैट इट एक्सप्लोरेड ये इसको मैंने किया हुआ है आप लोगों की खातिर ज़रा इसको देख लें नो no सूनर ये नो no सूनर को हम स्टार्ट में लेके आए वी हैड नो सूनर फिर उसके बाद हैड को हम ले आए ठीक है नो सूनर हैड वी लेफ्ट द हाउस दैट इट एक्सप्लोड जो है वो इसी तरह से ही आएगा हाफ अ डज़न एप्पल्स फेल डाउन ये किस तरह से मैंने आपको बताया था कि ये वर्ब इन्वर्जन है डाउन फेल हाफ अ डज़न एप्पल्स ठीक है इफ़ मिस्टर दाऊद हैड बीन काइंडर टू हिज़ एम्प्लॉयज़ हिज बिजनेस वुड नॉट हैव क्लैप्स मैंने आपको बताया इफ़ वाले सेंटेंसेस के साथ हम क्या करेंगे कि इफ को जो है वो हटा दिया और हैड के साथ इसको रिप्लेस किया हैड मिस्टर दाऊद बीन काइंडर टू हिज़ एम्प्लॉयज़ ये हैड पहले आ गया इन्वर्टेड है हमने जब इसको इन्वर्ट किया हेड को हम स्टार्ट में ले आए और इफ़ को हमने हटा दिया हेड मिस्टर दाऊद बीन काइंडर टू हिज एम्प्लॉयिज़ हिज़ बिजनेस वुड नॉट हैव क्लैप्स्ड नंबर फोर्थ इज आई डिड नॉट से आई वुड एक्सेप्ट द होमवर्क अब यहाँ पे ये क्लू था मैंने आपको बताया एट नो टाइम एट नो टाइम डिड आई से आई वुड एक्सेप्ट लेट होमवर्क एट नो टाइम अब आई डिड नॉट से ये नेगेटिव की जो इन्वर्जन है ना वो इस तरह से होते हैं एट नो टाइम डिड आई से आई वुड एक्सेप्ट लेट होमवर्क अब इसका सेंटेंस पॉजिटिव हो जाएगा कि जैसे मैंने कभी नहीं बताया कि इस तरह नहीं करना या इस तरह से करना है क्या मैंने कभी नहीं बताया कि मैं लेट होमवर्क एक्सेप्ट करूँगा सो दिस इज़ समथिंग इन दैट सेंस at no time did i say i would accept late homework so this is an example of inversion hum inversion jo hai wo karte hain aur iski practices ke liye main aapke liye websites bhi leke aayi hu aap in websites pe ja ke प्रैक्टिस कर सकते हैं इन्वर्जन की सेंटेंसेस इन्वर्जन की ठीक है और ये इन्वर्जन आपको पता है मीटर में भी हम देते हैं पोइट्री में ज़्यादा इन्वर्जन यूज़ किया जाता है राइट right? और फिर कभी फॉर्मल बातों में भी हम फॉर्मल बातचीत में भी हम इन्वर्जन का इस्तेमाल करते हैं सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़